हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डॉट इन पर। माय सेल्फ शुभम नकपुरे। एंड फ्रेंड, आज का जो हमारा सेशन है वो है एसडीडी सेकंड स्टील के 10वें लेक्चर पे, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके लाए हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम आपके लिए टेस्ट सीरीज के रूप में आपसे टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका नॉलेज भी गेन होगा, और साथों साथ आपको आंसर भी मिलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइन इन द प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप्स, देन द रिवेट आर सब्जेक्टेड टू। मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी रिवेट ग्रुप के प्लेन में जो लोड लाइन होती है, लोड लाइन यदि लाई करती है तो रिवेट में क्या उत्पन्न होगा या कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी। ए ऑनली शियर स्ट्रेस, बी ऑनली टेंसाइल स्ट्रेस, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें कि जो भी रिवेट ग्रुप होता है उसमें जो लोड लाइन जनरेट होती है, लोड लाइन मतलब कि जहाँ पे लोड लाइन से लगता है, टेंसाइल हो गया या कॉम्प्रेसिव फोर्स जो लगता है लोड, उसकी वजह से रिवेट में क्या जनरेट होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनली शियर स्ट्रेस। मतलब कि आपके पास यदि रिवेटिंग की गई है, रिवेट्स है आपके पास, और रिवेट के दोनों साइड में यदि लोड लगाया हुआ है, टेंसाइल लोड, और उसकी वजह से क्या होते हैं, लोड लाइज या एक्सिस ऑफ लोड आपको नज़र आता है, लोड की जो लाइन बनती है आपको दिखाई देती है रिवेटों के बीच में, तो उसकी वजह से रिवेट में ओनली सीयर स्ट्रेस जनरेट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन टेंशन विल बी टेकन एज। मतलब कि इसमें बोला गया है कि किसी भी थिनेस्ट प्लेट की थिकनेस 10 mm हो तो उस रिवेट की मैक्सिमम पिच क्या होगी यदि रिवेट टेंशन में है। आपके ऑप्शन है 120 mm, 160 mm, 200 mm या 300 mm। तो आपका इसका मैक्सिमम पिच बताना है कि मैक्सिमम पिच क्या होगा। आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन भी आपको मिल चुके हैं, आपके पास 13 सेकंड का टाइम भी है, आपको बताना है कि मैक्सिमम पिच रिवेट की क्या होगी टेंशन की कंडीशन में यदि थिकनेस ऑफ प्लेट इज 10 mm। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 160 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर अ रिवेट अप टू 25 mm डायमीटर इज। मतलब कि किसी भी रिवेट सेक्शन में ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर के बीच का अंतर क्या होगा यदि रिवेट का जो डायमीटर है वो 25 mm से अधिक है, 25 मिलीमीटर के अंदर है। 25 मिलीमीटर व्यास तक के रिवेट के लिए सकल व्यास और नाममात्र व्यास या नॉमिनल व्यास के बीच का अंतर कितना होगा, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm या 2.5 mm। तो आपको बताना है कि 25 mm व्यास तक के लिए आपको कितना लेना पड़ता है डिफरेंस ग्रॉस डायमीटर में और नॉमिनल डायमीटर के बीच में। तो ये काफ़ी इजी है क्योंकि आपको पता है कि नॉमिनल डायमीटर जो होता है, ग्रॉस डायमीटर बराबर नॉमिनल डायमीटर प्लस आप ऐड करते भी हो उसमें। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 1.5, क्योंकि आप हमेशा नॉमिनल डायमीटर में 1.5 को ऐड करते हो। अ बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, मतलब कि किसी भी बट वेल्ड को किसके द्वारा हम स्पेसिफाई करते हैं, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, प्लेट थिकनेस, साइज ऑफ वेल्ड या पेनिट्रेशन थिकनेस के द्वारा। तो आपको बताना है कि बट वेल्ड की जो हम जांच करते हैं या बट वेल्ड की जो हम पहचान करते हैं वह किसके द्वारा करते हैं। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप क्लिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फ्लेट वेल्ड की प्रभावी लंबाई खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए, अ इफेक्टिव लेंथ ऑफ फ्लेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन। मतलब कि इफेक्टिव लेंथ जो होता है फ्लेट वेल्ड का वो किससे कम नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 2 टाइम्स द वेल्ड साइज, 4 टाइम्स द वेल्ड साइज, 6 टाइम द वेल्ड साइज या नॉर्मल वेल्ड साइज। तो आपको बताना है इसमें कि इफेक्टिव लेंथ फ्लैट वेल्ड की किससे अधिक नहीं, किससे कम नहीं होनी चाहिए आपके पास। ओके, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज। वेल्ड साइज के 4 गुने से कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीयर बकलिंग ऑफ वेब इन अ प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग, मतलब कि किसी प्लेट गर्डर में जो सीयर बकलिंग होती है वेब को, वो किसके द्वारा हम प्रिवेंट करते हैं या किसके द्वारा हम सुरक्षा करते हैं? वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टीफनर, हॉरिजॉन्टल स्टीफनर एट न्यूटन एक्सिस, बियरिंग स्टीफनर या नन ऑफ द अबो। तो आपको बताना है कि प्लेट गर्डर में जो वेब वाला पोर्शन होता है उसमें जो सीयरिंग बकलिंग होती है वेब में, वो किसके द्वारा आप सुरक्षित करते हो या प्रिवेंट करते हो? तो इसकी इसका आंसर आप दे दीजिए। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टीफनर, मतलब वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टीफनर के द्वारा ही आप प्रिवेंट करते हो। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी एक्सीड, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पिछले बार मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। लेसिंग बार का जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 100, 120, 145 या 180? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 145। इफ़ द 20 mm रिवेट्स आर यूज इन लेसिंग बार देन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी, यदि लेसिंग बार में उपयोग में आने वाला रिवेट का डायमीटर 20 mm का हो तो लेसिंग बार की चौड़ाई कितनी होना चाहिए, मिनिमम चौड़ाई कितनी होना चाहिए, 40 mm, 60 mm, 80 mm या 100 mm? तो डायमीटर ऑफ रिवेट आपको दिया हुआ है 20 mm, आपको थिकनेस बताना है या विड्थ बताना है कि मैक्सिमम विड्थ आप कितनी लोगे लेसिंग बार की। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, आप इसका आंसर भी दे सकते हो इजीली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 mm, मतलब कि जितनी भी डायमीटर होता है डायमीटर का 3 गुना क्या होता है लेसिंग बार की विड्थ, या विड्थ बोल सकते हैं या चौड़ाई बोल सकते हैं। तो लेसिंग बार की जो डायमीटर है वो है 20 mm, तो 20 × आप 3 करोगे तो 60 mm निकल के आएगा, तो यही होगा आपका विड्थ ऑफ लेसिंग बार। वेब क्रिपलिंग जनरली ऑक्योर एट द पॉइंट वेयर, सामान्यतः वेब क्रिपलिंग की जो समस्या होती है वह किस पॉइंट पे उत्पन्न होती है, बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम हो, सीयर फोर्स मिनिमम, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट या डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। तो आपको बताना है कि वेब में जो क्रिपलिंग होती है वह कहाँ होती है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो, या सीयर फोर्स कम हो, कॉन्सेंट्रेटेड लोड अप्लाई हो रहा हो, या डिफ्लेक्शन जहाँ पर अधिकतम हो। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप सोच लीजिए कि वेब क्रिपलिंग मैक्सिमम कहाँ पर होती है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, तो आपको चूज करना है इसमें। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट, जहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स अप्लाई होगा वहीं पर वेब क्रिपलिंग की समस्या उत्पन्न होगी। द अलाउेबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन फॉर अ रोल्ड आई सेक्शन एंड चैनल इज टेकन एज, किसी भी रोल्ड आई सेक्शन या चैनल सेक्शन में अलाउेबल एक्सियल टेंशन स्ट्रेस हम कितना लेते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेस हम कितना लेते हैं किसी भी चैनल या आई सेक्शन की डिजाइनिंग में। आपके ऑप्शन है 1420 kg/cm², 1500 kg/cm², 2125 kg/cm², या 1810 kg/cm². तो आपको बताना है कि टेंसाइल स्ट्रेस आप कितना लेते हो किसी भी सेक्शन में, आई सेक्शन या चैनल सेक्शन में। इसी प्रकार आपको सीयरिंग, बियरिंग और टियरिंग का भी मान याद रखना पड़ेगा, कितनी कितनी स्ट्रेस आप लेते हो। तो टेंसाइल स्ट्रेस की बात चल रही है तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1500 kg/cm², या फिर 150 N/m². नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थिकनेस टी ऑफ अ सिंगल फ्लैट लेसिंग सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि सिंगल फ्लैट लेसिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो तो लेसिंग प्लेट की थिकनेस कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 1/3 ऑफ लेंथ बिटवीन इनर एंड ऑफ रिवेट, 1/4 द लेंथ बिटवीन इनर एंड ऑफ रिवेट, 1/5 लेंथ ऑफ द इनर एंड रिवेट, या 1/6 लेंथ ऑफ लेंथ बिटवीन इनर एंड ऑफ रिवेट, या ये उसका आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसमें लेसिंग की थिकनेस बताना है कि 130 होगा लेंथ की, 140 होगा लेंथ की, 150 होगा लेंथ की, या 160 होगा उसकी टोटल लंबाई की। तो इसका ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको वैल्यू याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/5 लेंथ ऑफ लेसिंग, या 1/5 1/4 140 लेंथ बिटवीन इनर एंड ऑफ रिवेट्स, 1/14। द परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग फॉर रोल्ड स्टील आई बीम एंड चैनल इज, किसी भी रोल्ड स्टील आई सेक्शन या चैनल सेक्शन में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितना
कितनी होती है? 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1575 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 945 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या 1650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर भी आपको देना है कि कितना आप मान लेते हो बेंडिंग स्ट्रेस का। जैसे टेंसाइल स्ट्रेस का लेते हो आप 1500, उसी प्रकार आपको बताना है कि बेंडिंग स्ट्रेस का आप जनरली कितना लेते हो मान। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1650, 1650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 165 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में पूछा गया, इन अ टेंशन मेंबर इफ बी इज द ब्रेथ ऑफ प्लेट, टी इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, पी इज पिच, जी इज गेज डिस्टेंस, एन इज नंबर ऑफ रिवेट इन zigzag लाइन, एंड एन इज द नंबर ऑफ गेज स्पेस, डी इज द ग्रॉस सेक्शनल एरिया, देन द नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि किसी टेंशन मेंबर में बी जो है वह प्लेट की चौड़ाई है, टी जो है थिकनेस है प्लेट की, पी है वहाँ की पिच, जी गेज डिस्टेंस है, एन नंबर ऑफ रिवेट होल्स बता रहा है, और जो स्मॉल एन है वो बता रहा है कि नंबर ऑफ गेज स्पेस, डी बता रहा है नंबर ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, तो आपको बताना है कि नेट सेक्शनल एरिया किसी प्लेट का कौन सा होगा। तो ए नेट या नेट सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ए नेट इफेक्टिव एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी टेंशन मेंबर में। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, यही इसका एक्चुअल राइट आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंडियन स्टैंडर्ड कोड विच डील विद द स्टील स्ट्रक्चर, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड में कौन सा कोड स्टील स्ट्रक्चर के लिए मेनली यूज किया जाता है या किसके लिए है? IS 875, IS 800, IS 456 या IS 1893। तो आपको बताना है स्टील स्ट्रक्चर के लिए आप कौन सा कोड जनरली प्रिफर करते हो, IS इंडियन स्टैंडर्ड का। तो ये तो काफ़ी ईजी हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IS 800। द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट लैब जॉइंट इज इक्वल टू, किसी भी रिवेटेड लैब जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वह किसके बराबर होती है? सियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ या लिस्ट ऑफ ए बी सी। तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट जो भी आप लेते हो डिजाइनिंग में वह आप कितनी लेते हो आपको बताना है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर ए बी सी डी में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिस्ट ऑफ ए बी सी, मतलब कि सियरिंग बियरिंग और टियरिंग में जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपकी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ अ रिवेट जॉइंट, डायमीटर ऑफ अ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाय। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिवेट होल्स का जो डायमीटर होता है वह किससे अधिक होता है, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि आप नॉमिनल डायमीटर और ग्रॉस डायमीटर के बीच में आप डिफरेंस निकालते हो, तो निम्न में से चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि रिवेट होल जो दिया गया आपके पास ग्रॉस और नॉमिनल, तो उसमें से कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 1 मिलीमीटर फॉर रिवेट डायमीटर अप टू 12 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर फॉर रिवेट डायमीटर एक्सीडिंग 25 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर फॉर अ रिवेट जॉइंट रिवेट डायमीटर ओवर 25 मिलीमीटर या नन ऑफ दिस। 15 सेकेंड आपको और मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसमें पूछा गया है कि जो रिवेट होल्स का जो डायमीटर होता है वो जनरली हम ज़्यादा लेते हैं नॉर्मल डायमीटर से, लेकिन किस कंडीशन में और कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करती है? तो इसका राइट आंसर है डी सी, 2 मिलीमीटर फॉर अ रिवेट जॉइंट ओवर 25 मिलीमीटर, मतलब कि 2 मिलीमीटर का आप जो डायमीटर इंक्रीज करते हो कब, यदि आपका डायमीटर 25 मिलीमीटर से अधिक हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफ़ी ईजी है। जनरली आपने पढ़ा है कि ग्रॉस डायमीटर जो होता है वो नॉर्मल डायमीटर का 1.5 ज़्यादा होता है, कब किस केस में, यदि डायमीटर 25 मिलीमीटर से कम है, और यदि यही आपका डायमीटर 25 मिलीमीटर से अधिक हो जाता है तो आप उसमें 2 को ऐड करते हो, मतलब कि ग्रॉस डायमीटर इज इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 मिलीमीटर फॉर अ रिवेट डायमीटर ओवर 25 मिलीमीटर। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आया होगा,
और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार आप हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।